अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का हमारा व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि मुझे भी नहीं पता कि कैसा होने वाला है, तो ये तो आप खुद ही देख लेना व्लॉग में। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। चलो भाई, सीन ये बना कि हम आ गए कायद आज़म के मज़ार और हमारे साथ हैं आज मुजाहिद आलम साहब। ये हमारे काफ़ी पुराने कॉलेज के दोस्त हैं, तो इनके साथ आज हम आए हैं यहाँ कायद आज़म के मज़ार। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। आज तो बस एक रैंडम सीन बना और हम आ गए यहाँ अचानक, तो चलते हैं आगे भी देखते हैं क्या होता है रैंडम रैंडम। चलो तो भाई, हमारे साथ रैंडम रैंडम ये हो गया कि छोड़ा ही नहीं है जाने के लिए, सारे रास्ते बंद किए हुए, सीढ़ी वीढ़ी बंद, सब बंद। ये हो गया हमारे साथ रैंडम में। क्या कहना चाहेंगे आप मुजाहिद भाई? बस यही कहना चाहेंगे क्योंकि पता नहीं था हम लोग आ गए थे रैंडमली और अब हमारे साथ ये सीन है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें। और ये हम हैं, ये पीछे कायद आज़म का मज़ार है और यहाँ हमारी ख्वारी हो गई है, क्लास की ख्वारी हो गई है। और आज हवा भी बड़ी क्लास की चल रही है भाई, हवा तो टाइट वाली चल रही है आज। आए हाय क्या बात है, लेकिन ये जो ख्वारी हुई है ना, ये क्लास की हो गई है। तो भाई क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे तो एक तो होता है ना मतलब रीज़न, अगर रीज़न हो जिसकी वजह से बन गया हो तो समझ में आते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से बन गया है, तो इसका मतलब है कि मैं समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। एक तो रीज़न भी नहीं है, ऊपर से बन भी किया हुआ है, तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। ओके इस बारे में मैं यही कहूँगा इनकी या तो नाअहली होगी जिसकी वजह से बन किया होगा। ओके जी, एक तरह से तो हम यहाँ पे कायद आज़म के फ़ातह खाने के लिए पहुँच गए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें 1 किलोमीटर दूर रखा गया है मज़ार से, तो हम न फ़ातह खाने के लिए पहुँच सके और न उसके मज़ार तक जाने का हमारे लिए कोई पॉसिबल रास्ता मिला, जिसकी वजह से हम बाहर हमारी ख्वारी हो रही है इस वक्त यहाँ पर। रिपोर्टर मुजाहिद आलम के साथ, कैमरा मैन सादुररहमान के साथ, साद मैंगल न्यूज़ कराची। गाइज, हमने सिक्योरिटी वाले से पूछा वजह क्या है, तो कह रहा वजह कुछ भी नहीं है, वैसे ही बंद किया हुआ है यार। ये कोई वजह हुई, ये कोई बात हुई? और यहाँ हम चप्पलें रखवा रहे हैं अब। तो भाई म्यूजियम में तो हमें छोड़ दिए, ये म्यूजियम है। मास्क लगाइए, मास्क ऊपर करें। लो भाई अब मास्क भी लग गए, और कुछ और ये रही कायद आज़म की गाड़ी, ये एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी वो है। म्यूज़ियम से हो के आ गए हैं, ये बैठे हुए इधर थोड़ा, ये मज़ार है। तो भाई मुजाहिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज के दिन के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज हमारा प्रोग्राम तो नहीं था, रैंडम आए थे हम लोग कायद मज़ार की तरफ, म्यूज़ियम का तो चलो विज़िट हो गया है, लेकिन कायद मज़ार का जो अपना व्यू है इन साइड का, वो नहीं हो सका है अभी तक।
और अभी तक छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो सारे अवाम यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं वो सब के सब यहाँ पर बाहर घूम रहे हैं और हम भी इस वक्त बाहर ही घूम रहे हैं फिलहाल, तो अंदर जाने के लिए कोई रास्ता हमवार नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा जी, ठीक है ठीक है। और कुछ? ठीक है जी। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। उस फातह खानी के लिए आए थे तो मगर अनफॉर्चुनेटली जब हम नहीं पहुंच सके ना, जब अंदर जाने नहीं दे रहे हैं तो फातह खानी किस चीज की? ओके और आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम तो कब से बोलते हुए आ रहे हैं। अभी हमने आपसे पूछा था क्योंकि एक लोग भी हमारा है, तो आप इसमें बात करेंगे, ठीक है? सही है। ओके तो भाई, आपने हमारे मुजाहिद भाई की तकरीर सुन ली ना? बहुत गुस्से में आज, बहुत गुस्से में आज, इन्होंने बहुत गुस्सा दिलाया इनको। यहाँ परेड शुरू हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब तो आज के व्लॉग का अख्तिताम भी यहीं पे करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया।